भारत की महिलाओं में एनीमिया की समस्या बहुत आम है। इसे सरल भाषा में खून की कमी कहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 15 से 19 साल की 59% लड़कियों में खून की कमी है, जबकि 15 से 49 साल की 52% महिलाएं जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो एनीमिया की चपेट में आती हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजह हैं जिसमें महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक खून की कमी देखने को मिलती है। आखिर कैसे हम खून की कमी को पूरा कर सकते हैं और आखिर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हम यह पहचान सकें कि हमारे शरीर में खून की कमी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है हेल्थ से जुड़ी ढेरों इन्फॉर्मेशन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि खून की कमी यानी कि एनीमिया आखिर होता क्या है। दोस्तों, हमारे खून के अंदर मेनली तीन तरह की सेल्स यानी कि कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। शरीर में खून की कमी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, हमारे खून के अंदर जो RBCs होती हैं वो कम हो जाती हैं। हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। यह ऑक्सीजन को जो हम सांस के द्वारा लेते हैं उसे हमारे शरीर के हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगर किसी कारणवश शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसी को हम एनीमिया कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि एनीमिया कितने प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे पहले शामिल है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। उसके बाद आता है हमारा फोलिक एसिड, जो कि एक प्रकार का विटामिन है, इसकी कमी से होने वाला एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से भी होने वाला एनीमिया। और भी कारण इसमें शामिल है जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एक्सेट्रा। महिलाओं में एनीमिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हर महीने होने वाली महावारी के कारण, जिसमें महिलाओं में हर महीने ब्लीडिंग के साथ आयरन का लॉस हो जाता है। दूसरा अन्य कारण है गर्भावस्था के समय महिलाओं में अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्रेगनेंसी में भी एनीमिया का खतरा जो है वो बना रहता है। फीड कराने वाली महिलाओं को भी अधिक आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय इन्हें पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिल पाता, जिससे उनमें भी खून की कमी देखने को मिलती है। आइए अब समझते हैं आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को और उससे जुड़े लक्षणों को। दोस्तों, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है और हीमोग्लोबिन हमारी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो खून है वो हमें लाल कलर का दिखाई देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर की हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, लेकिन जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा क्योंकि आयरन की कमी है शरीर में जो कि जरूरी है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, तो हमारे शरीर पर थकान, कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत और स्किन को पीला पड़ जाना जैसे लक्षण दिखाई देंगे। इसलिए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन होना चाहिए ताकि खून की कमी हमारे शरीर में ना हो पाए। अब समझते हैं फोलेट यानी फोलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को और इससे जुड़े लक्षणों को। दोस्तों, फोलिक एसिड एक प्रकार का विटामिन बी है। यह विटामिन हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनके निर्माण के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो लाल रक्त कोशिकाएं असमान यानी कि एबनॉर्मल तरह से बड़ी हो जाती हैं और ठीक से काम नहीं करती हैं। इससे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है। फोलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसके लक्षणों में शामिल है थकान होना, सिर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना और त्वचा का पीला पड़ जाना। अगला है विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। दोस्तों, विटामिन B12 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह हमारे शरीर की जो नर्व सेल्स होती हैं और जो रेड सेल्स होती हैं उनके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यह हमारे शरीर में DNA बनाने में भी मदद करता है। DNA आपके सभी कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल है। शरीर में विटामिन B12 की कमी के मुख्य कारण होते हैं कि हम अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 ना ले रहे हो, या फिर दूसरा अन्य कारण ये भी हो सकता है कि विटामिन B12 हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ना हो रहा हो। विटामिन B12 की कमी से हमें थकान, कमजोरी, जी मिचलाना, उल्टी आना, भूख न लगना, वजन घटना, मुंह में छाले होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन B12 की कमी को हम ब्लड टेस्ट के जरिए पता कर सकते हैं।
कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं एनीमिया के, जैसे कि क्रॉनिक बीमारियां जो काफी लंबे से समय से चली आ रही हों, जैसे कि किडनी की बीमारी या फिर कैंसर की बीमारी। गर्भावस्था के समय शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम बनता है और खून की कमी हो जाती है। कुछ दवाएं जैसे कि एस्पिरिन जो कि खून को पतला करने वाली मेडिसिन है, या फिर एंटासिड जो हम एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनसे भी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। खून की कमी के सामान्य से लक्षणों में शामिल है हमेशा थकान रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, हमेशा बेहोशी जैसा महसूस होना, स्किन का कलर पीला पड़ जाना, नाखून होंठ पीले दिखाई देना। इन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी हो रही है। शरीर में खून की कमी का पता कुछ ब्लड टेस्ट करवा कर हम कर सकते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का टेस्ट जिससे हम पता कर सकते हैं, आयरन टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट, फोलेट का टेस्ट, थायराइड टेस्ट, और कुछ फिजिकल टेस्ट जैसे कि हम स्किन का कलर देखकर, सांस लेने की जो स्पीड है उसको चेक करके, जीभ का कलर देख के, नाखून का जो टेक्सचर है उसको देख के, इन सभी लक्षणों से हम खून की कमी का पता कर सकते हैं। अपने खाने में आयरन से भरपूर सब्जियां जैसे पालक, चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, मांस को ऐड करके आप आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से बच सकते हैं। विटामिन B12, फोलेट और जो बैलेंस डाइट है उसको अपने खाने में शामिल करें, जिससे आप विटामिन B12 और फोलिक एसिड से होने वाले एनीमिया से भी बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।